जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। तो एस्थेटिक जीके में आपको पता है कांग्रेस सेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कई बार ऐसे पूछने को मिलता है कि कब स्वराज की डिमांड हुई, कब पार्टीशन प्लान हुआ, कब गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जन गण मन कब गाया गया। तो इन सब चीजों को हम बड़े फोकस से कांग्रेस सेशन में देखेंगे और एस्थेटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो याद रखना बहुत कम समय में पूरे कांग्रेस का रिवीजन। जी हाँ, शुरू करते हैं। आपको पता है कांग्रेस जो बनी वो ए हुम ने बनाई, लॉर्ड डफरिन के समय बनी और 1885 में बनी, ठीक है। लोग ये भी कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बाद में इसको सेप्टिबल थ्योरी भी कहा गया, लाला लाजपत राय ने जैसे इसको कहा था। तो अब हम देखेंगे भाई, यहाँ जो फर्स्ट सेशन हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते वो यहीं से पूछे जाते, फर्स्ट सेशन वगैरह से इनसे ही आते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था 1885 में, तो सेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिए आप, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे, तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले सेशन के, ठीक है। यहीं से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। कहाँ हुआ बच्चों, बॉम्बे में हुआ 1985 में, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, क्लियर है, ये याद रखना आपको। पहले पुणे में होने वाला था लेकिन फिर पुणे में प्लेग के कारण गोकुल सत्यपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसको स्टेबल किया गया। फिर सेकंड सेशन की बात करते हैं, ये कलकत्ता में हुआ, कब हुआ, 1886 में हुआ। कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नरोजी थे। कौन थे, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नरोजी बने, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे दादा भाई नरोजी, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तीसरा सेशन बच्चों का हुआ मद्रास में हुआ 1887 में। भारत की तीनों प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, याद रखें, तीनों में पहले अधिवेशन तीनों हुए। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने, याद रखना वो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, कौन से अधिवेशन में, मद्रास में। फोर्थ जो हुआ बच्चों वो इलाहाबाद में हुआ, इसमें जॉर्ज यूल बना, पहला अंग्रेज, सोचो आप, जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज प्रेसिडेंट बने, कहां पे, इलाहाबाद। तो ये भी प्रेसिडेंसी थी, तो पहले अध्यक्ष दादा, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई, तीसरे अध्यक्ष आप बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे जॉर्ज यूल। पहला सेशन बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, ये याद रखिए, बड़े फेमस है। 1896 बड़ा और फेमस सेशन क्या हुआ, फर्स्ट यहां जो प्रेसिडेंट बने रहीमदुल्ला सयानी साहब बने, क्या हुआ यहां पर महत्वपूर्ण चीज हुई, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, याद रखिए, वो फर्स्ट टाइम जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, लेकिन लिखा किसने था, लिखा किसने आपको पता है ना, लिखा किसने, बंकिम चंद चटर्जी महोदय ने लिखा अपनी बुक आनंद मठ में, याद रखना। और आनंद मठ जो बुक लिखी गई थी वो सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई बुक है, याद रखेगा। तो गाने वाले कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है, लेकिन लिखा किसने इसको, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है, पहली बार इसको गाया गया था। 1896 लखनऊ सेशन हुआ, प्रेसिडेंट बने रमेश चंद्र दत्त, याद रखना, रमेश चंद्र दत्त बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे। क्या हुआ, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन, या जिसको आप कह सकते टैक्सेशन है, वो है ना, टैक्सेशन है ऑफ लैंड रेवेन्यू। कहा कि भाई जो ये परमानेंट जो टैक्सेशन आप लैंड रेवेन्यू पे लगाते हैं, इसको क्या करो आप, इसको हटाइए या इसको खत्म करिए आप, ठीक है, लोगों पर अत्याचार होता है। तो इकोनॉमिक्स है, तो ये बात यहां रखी गई 1899 में। 1901 कलकत्ता में सेशन हुआ, दिनेश ई वाचा, जिसको दीनसा वाचा भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट टाइम ये गांधी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखिए आप। 1905 बनारस अधिवेशन, याद रखना, प्रेसिडेंट बने गोपाल कृष्ण गोखले, अभी हमने बात की, याद रखना, यहां से स्वराज की डिमांड की शुरुआत हुई थी, फॉर्मेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी, याद रखना। और हमने विदेशी वस्तुओं का क्या किया, बॉयकॉट किया था कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीजों को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट। तो स्वदेशी चीज की शुरुआत हुई 1905 बनारस सेशन से। नेक्स्ट देखेंगे 1906 कलकत्ता अधिवेशन, बड़ा फेमस था, फिर अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नरोजी। दादाभाई नरोजी तीन बार अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। यहां पर एडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, सबकी चीजों की डिमांड, लेकिन स्वराज सबसे महत्वपूर्ण, भारतीयों की अपनी सरकार, लेकिन यह पूर्णतः आजादी नहीं थी, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस टाइप था।
स्वराज की डिमांड रखी, कांग्रेस सेशन में पास हुई। फिर ये 1907 में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, सूरत में राज बिहारी घोष अध्यक्ष बने और उसी में क्या हुआ कांग्रेस में बच्चों, मॉडरेट और एक्समिस में क्या हो गया, बंटवारा हो जाता है। तो ये एडजमेंट ऑफ द सेशन, इस सेशन में वास्तव में कोई निर्णय नहीं हो पाया और ये हुआ कि सूरत फूट हो गई, मतलब कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई, नरम और गरम दल में। 1910 इलाहाबाद में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट सर विलियम वेडरबर्न अंग्रेज, ये वो अंग्रेज था जिसने ए.ए. होम की बायोग्राफी लिखी थी और इसने कहा था कि ये तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना डिक्रीड द सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट ऑफ 1909। तो ये था कि भाई जिन्ना ने उस चीज का समर्थन किया था इन सब चीजों का। 1911 कलकत्ता, प्रेसिडेंट बी एन दत्त एस के अध्यक्ष थे, फर्स्ट टाइम याद रहेगा पहली बार जनगणमन को गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। जनगणमन को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। और वंदे मातरम ऑलरेडी गाया जाता था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा और उसके बाद कांग्रेस का एक सॉन्ग बना, उसके बाद ही हमारा नेशनल एंथम बनेगा, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 1915 सेशन, बीच में भी और सेशन है लेकिन हम इंपॉर्टेंट सेशन की चर्चा कर रहे हैं। 1915 सेशन हुआ बॉम्बे में, अध्यक्ष बने सर एसपी सिन्हा साहब। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड, एडमिटेड द डेलीगेट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। संविधान में फिर संशोधन करने की बात हुई और कहा गया कि हम थोड़े से बदलेंगे और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो है इसमें हम वापस लेकर आएंगे और हुआ भी सही। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, याद रखना, प्रेसिडेंट बने थे मजुमदार साहब, ठीक है, एसी मजुमदार इनका नाम है। तो यूनिटी बिटवीन टू फैक्शन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, गरम दल नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज हुआ था लखनऊ पैक्ट, इसी में, इसी अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ, साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों के बीच में साइन हो जाता, बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। कहा था कि जो हमारे बीच में राजनीतिक विवाद है, मतभेद है, वो दूर करेंगे और एक दूसरी पार्टी बात करेंगे और दूसरे का समर्थन करेंगे और आजादी लेकर आएंगे, ऐसा था इनकी। फिर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, याद रखना, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, आयरिश लेडी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या थियोसोफिकल सोसाइटी का मैं बोलूं तो उनकी काम देखने इंडिया आई, भारत में होम रूल आंदोलन चलाया, संस्कृत कॉलेज बनारस में बनाया, ऐसे एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1918 स्पेशल सेशन हुआ, अब स्पेशल ये होता था जो समय के पहले ही बुला लिया जाता था किसी स्पेशल काम के लिए, बॉम्बे में हुआ, प्रेसिडेंट सैयद हसन इमाम बने। क्या हुआ, दिस सेशन वॉज कॉन्वेंटेड द डिलीबरेट द कंटिन्यूस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम। तो उन्होंने कहा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम है इसका समर्थन किया जाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि सारी चीजें थी इसमें। 1919 में फिर अमृतसर में हुआ, प्रेसिडेंट बने मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस एक्सटेंड द सपोर्टेड टू खिलाफत मूवमेंट, ये हुआ कि भाई खिलाफत आंदोलन जो चलेगा उसको कांग्रेस समर्थन करेगी। इसी बीच में याद रखना स्पेशल सेशन बुला लिया गया 1920 में, प्रेसिडेंट कलकत्ता में हुआ, प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय, याद रखिए, और महात्मा गांधी का जो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इसको पास कर दिया गया, ठीक है। और ये जो है सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 1920 में फिर एक सेशन और हुआ नागपुर, प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटीज ऑफ कांग्रेस, याद रखना, लिंग्विस्टिक बेसिस, उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर सब जगह से हम कांग्रेस के लोगों को शामिल करेंगे, ठीक है। और ये सेशन बड़े स्तर पे चला, मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और याद रखना जिन्ना जो पहले कांग्रेस में था ये मुस्लिम लीग में चला जाता है, ठीक है, इसी समय। 1922 गया सेशन बड़ा महत्वपूर्ण था, प्रेसिडेंट सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और यहां पर पहली बार ये होता है कि कांग्रेस में फिर से टूट जाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण दिया कि हम नई पार्टी बनाएंगे स्वराज, क्योंकि जो विरोध था उस बात का था कि आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया, ठीक है। तो 1922 गया अधिवेशन में, सी आर दास ने अधिवेशन में भाषण देते समय अपनी नई पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया।
फिर 1924 बेलगांव सेशन हुआ, प्रेसिडेंट बने महात्मा गांधी। ओनली याद रखना है, प्रेसिडेंट ओवर बाय द महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गांधी जी, वो अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक। इसके बाद कोई गांधी जी किसी भी मैं कहूं के सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट 1925 कानपुर सेशन, जी हाँ याद रखना आप, प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला, याद रखना फर्स्ट वुमेन की अगर बात करें तो एनी बेसेंट है, और अगर हम इंडियन वुमेन की बात करें तो कौन है, सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट 1927 मद्रास सेशन, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एम ए अंसारी। याद रखना ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहा, क्योंकि यहीं पर प्रस्ताव लाने वाले थे ये कौन सा टोटल इंडिपेंडेंस का, लेकिन कुछ विवादों कारण ये प्रस्ताव नहीं आ पाया, लेकिन पास तो करने की बात थी तो हुआ भी था। पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, क्योंकि लड़ाई चल रही थी ईरान एंड मेसोपोटामिया। ये था कि उस समय दुनिया के अलग, वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन या यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां यूरोप के देशों के बाहर भी अपने इंपीरियलिज्म को एस्टेब्लिश कर रही थी, तो गल्फ कंट्रियों में वो खासकर लड़ाइयां लड़ रही थी, तो गल्फ कंट्रियों में लड़ने के लिए इंडियन सैनिकों की जरूरत होती थी, तो यहां से वो ट्रुप्स वहां ले जाते थे इंडियन आर्मी के, तो उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होता है। पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, उस समय साइमन कमीशन इंडिया आ चुका था, प्रस्ताव पास हुआ था कि हम साइमन कमीशन का सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक भी इंडियन नहीं था। एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑन द पूर्ण स्वराज, और इस प्रस्ताव को एडॉप्ट किया लेकिन पास नहीं किया था अभी, पास होगा 1929 में होगा। 28 हुआ, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू बने, और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जिसका पहले प्रेसिडेंट पंडित नेहरू को बनाया, उन्होंने अपने बेटे को बना दिया था, ठीक है। नेहरू सोवियत यूनियन से लौटे ही थे, वहां की कॉन्फ्रेंस से, तो उभरते हुए नेता थे हिंदुस्तान के। 1929 लाहौर सेशन, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो पंडित नेहरू बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रेजोल्यूशन जो रखने की जो पेशकश की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी कि अब समय आ गया कि हम पूरी आजादी के लिए अब अंग्रेजों से बात करें, तो पास द रेजोल्यूशन टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज। और यहीं से फिर बाद में कुछ दिनों बाद गांधी का दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में हो जाती है, फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च 26 जनवरी 1930, याद रखिए आप। और यहां पूर्ण स्वाधीनता दिवस हम मनाते हैं, और उसी लिए फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो इंडिपेंडेंट डे इस तारीख को मनाने की बात हुई, रेजोल्यूशन 1929 में पास हुआ। इसी बीच गांधी जी का साल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और ये सब चीजों की शुरुआत। हिंदुस्तान बदल रहा था, तो उसी समय सेशन में भी बहुत सारे चेंज हो रहे थे, कुछ डिमांड रखी जा रही थी। 1931 में कराची सेशन, प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल, और ये सेशन बुलाया गया था मार्च में, याद रखना, वैसे दिसंबर में होते थे लेकिन मार्च में बुलाया गया था सेशन। ये यहां पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो फंडामेंटल राइट, पहली बार ऑथेंटिक डिमांड होती है, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसको हम बाद में फिर हमने डीपीएसपी कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो डिमांड यही रखी गई थी। इंडोर्समेंट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, इसको मान्यता दी गई क्योंकि 5 मार्च 1931 को समझौता हो चुका था, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाएंगे अपना मूवमेंट रोक कर। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो कराची सेशन में ये हुआ, कराची सेशन समाप्त हुआ, गांधी सितंबर में वहां चले जाते, उसके बीच हम पता है कि वो सब फेल हो जाते। फिर हम बात है 1934 बॉम्बे सेशन, प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होता है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करती है, और कांग्रेस ये कहती है कि अब समय आ गया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करें, याद रखिए। 1936 लखनऊ सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, और याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण था, पुश टुवर्ड द सोशलिस्ट आइडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार हमारी संविधान सभा की एक तरह से मैं डिमांड यहां एक्सेप्ट होती है कांग्रेस के अंदर। 1937 फेजपुर, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, ये पहला ऐसा सेशन था जो गांव में हुआ था, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, याद रखना गांव में होने वाला पहला सेशन रहा। नेक्स्ट 1938 हरिपुर, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया से लौटे ही थे और अध्यक्ष बना दिए जाते, नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा कि देश में प्लानिंग कमेटी होगी जो देश में रिफॉर्म करेगी, जिनका अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया जाता। इसी समय वर्ल्ड वॉर की कुछ दिनों बाद शुरुआत,
फिर नेक्स्ट सेशन 1939 त्रिपुरी, अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन याद रखना, अध्यक्ष चुने गए थे, जो इलेक्शन हुआ था सुभाष चंद्र बोस, वॉज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, क्योंकि कहा था पट्टा भी सीतारमैया है, जो गांधी जी के सपोर्टर सपोर्ट से खड़े हुए थे, बोस ने उनको हरा दिया था। बोस रिइलेक्टेड हुए थे लेकिन बोस ने रिजाइन कर दिया था। फिर तो फिर अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज टू अपॉइंटेड इज इन प्लेस सुभाष बोस वॉज फॉर्म टू फॉरवर्ड ब्लॉक, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। 1940 रामगढ़ सेशन, प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। यहीं पर सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट टू बी लॉन्च टू अप्रोप्रिएट द टाइम एंड सर्कमटेंसेस। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन सही समय आने पर। इसी समय कांग्रेस को बैन कर दिया गया और भारत में आप देखोगे कोई सेशन नहीं होते फिर। तो 1941 से 45 के बीच में कांग्रेस के कोई सेशन नहीं हुआ। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाई इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, IRN म्यूटिनी एंड IEN ट्रायल्स, ये सब कुछ चलता रहा। फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन सच ए क्रिप्स मिशन वेवल प्लान कैबिनेट मिशन ऑन अकाउंट ऑफ दिस इवेंट्स ड्यूरिंग हिज फेज ऑन नो कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड। तो 41 से 45 के बीच में कोई सेशन नहीं होते। 46 में हुआ, फिर मेरठ में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट बने JB कृपलानी साहब। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंट, याद रखना आजादी के पहले का लास्ट सेशन मेरठ। JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट इंडिपेंडेंट। आजाद भारत जब हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब। फिर उसके बाद पट्टा भी सीतारमैया बने बाद में, और फिर कंटिन्यू कांग्रेस के सेशन ऐसे चलते रहे। तो हमें जो महत्वपूर्ण चीज याद रखना वो कि कब कौन सा अध्यक्ष बना है, कब क्या हुआ है, डिसीजन हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है। लेक्चर को ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जय हिंद, वंदे मातरम।